नमस्कार दोस्तों, मुक्ता का दुनिया में आप लोग को स्वागत हूँ दोस्तों। दोस्तों देखिए, मेरा ये जो सिंहोनियम है ना, ये पिछले साल का लगा हुआ था फ्रेंड, तो इसका तो इस बार एकदम ख्याल हम नहीं किए ना ध्यान दिए हैं, खाली पानी ही देना था, पानी देते जाते हैं। इसका बहुत इसका रूट जो है ना निकाल गया, देखिए ना ढक्कन के बाहर आ गया है, बहुत ही एक हालत खराब हो गया देखिए। और इसका देखिए बेल कितना बड़ा बड़ा हो गया, एक बेल तो हम काट चुके हैं यहाँ का, एक बेल देखिए ये जो हो गया है। तो इसको फ्रेंड कितना इसमें पौधा हो सकता है, लेकिन हमको जरूरत नहीं है। ये देखिए कितना इसका रूट निकल आया है, तो इसको हम पूरा काट देंगे फ्रेंड। और इसका रूट जो देखिए कैसे निकल आया है, ये ढक्कन को फाड़ करके निकल गया, तो इसको तो हम बाद में इसका सेवा करेंगे। तब तक हम दिखाते हैं दूसरे का। हम एक ये देखिए फ्रेंड, ये चाइनीज एग्लोनिमा, ये हम कटिंग से लगाए थे पिछले साल फ्रेंड। तो ये इतना छोटा पॉट में है, लेकिन फिर भी देखिए चार पौधा निकल आया। ये कटिंग हम लगाए थे और इसमें से ये निकला, फिर ये बेबी निकल रहा है, यहाँ निकल रहा है। तो हम सोचे इसको अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना पॉट छोटा हो गया, पानी इसमें रुकता नहीं है, सूख जाता है, ये रूट बंद हो गया होगा। और इसमें देखिए फ्रेंड इस तरह फूल आता है, ये फूल ठीक नहीं है, इसको काट देना चाहिए, पर हम काटे नहीं थे, पड़ा हुआ है फ्रेंड, फुर्सत नहीं होता है। ये देखिए इस तरह जो है ना इसको काट देना चाहिए। अब कुछ कुछ तो निकाल दिए थे पहले हम फ्रेंड, और देखिए इस तरह निकालता है, लेकिन बहुत सुंदर लगता है देखने में। देखिए जैसे पीसने लिली होता, पीस लिली उसी का जैसा है, देखिए बहुत प्यारा लगता है देखने में। ये देखिए शुरू शुरू निकालता है ना, देखिए नया में कितना सुंदर लगता है, ये भी अच्छा लग रहा है देखने में। फिर इसको काट देना चाहिए, लेकिन हम नहीं काटे हैं। तो फ्रेंड इसको हम निकाल लेंगे, निकाल करके फिर हम इसको डिवाइड करेंगे। मेरे पास ये पौधा जो है ना फ्रेंड बहुत है, मेरे को एक दिया था, हमको एक ही मिला था फ्रेंड, फिर इसमें से थी इतना ज्यादा हो गया, एक बड़ा गमला में भर गया, उसी में से कटिंग करके हम बहुत को दिए भी है, और मेरे पास तो बहुत ज्यादा हुआ, कोई लेने वाला रहता तो हम दे भी देते। तो इसको हम निकालते हैं फ्रेंड, देखती हूँ ऐसे निकलता है कि नहीं। हाँ देखिए निकल गया, ये देखिए फ्रेंड इसमें रूट कितना हो गया, थोड़ा सा मिट्टी है, इतना पौधा हो गया है। तो इसको अब हम सही सलामत बनाते हैं फ्रेंड, देखिए छोटा सा पॉट है, तो हम बनाते हैं, अलग करते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड इसका मिट्टी, इसका रूट सारा हम काट दिए हैं। अब काटते काटते हमको दिखाई दिया है फ्रेंड, यहाँ से जो है देखिए एक बेबी निकल रहा है, तो हम सोचे थे इसको अलग करेंगे, तो अलग नहीं करके फ्रेंड इसका हम यहाँ से कटिंग करते हैं। यहाँ से अगर कटिंग करेंगे फ्रेंड, यहाँ से जो है ना बहुत सारे ये देखिए निकल रहा है, बेबी निकल जाएगा, तो अलग करने का कोई मतलब नहीं होगा। इसको इसी तरह हम फिर इसी तरह लगा देंगे, सिर्फ इसको हम काटिंग करेंगे फ्रेंड। यहाँ से ये देखिए फ्रेंड काट दिए, इसको हम एक प्लांट बना लेते हैं, और इसको अलग हम नहीं करेंगे फ्रेंड, ऐसे ही रख देते हैं। ऐसे तो हम कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत है, इसीलिए हम कुछ लगाना नहीं चाहते हैं फ्रेंड, और बहुत ज़्यादा है मेरे पास, तो हम इसको थोड़ा सा फंगीसाइड लगा देते हैं फ्रेंड। यहाँ जो है ना ये कुछ नहीं होगा, और इसमें भी हम इस तरह लगा के इसको हम लगा देंगे। तो फ्रेंड ये तो मेरा काम हो गया, इसको हम अलग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत है फ्रेंड, इसीलिए हम ऐसे ही छोड़ देना चाहते हैं। और थोड़ा सा रूट हम यहाँ से काट देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, इसका नीचे में एक पत्थर डाले हैं, और
ज़्यादा मिट्टी नहीं डालेंगे, थोड़ा ही एक बार इतना ही डालेंगे फ्रेंड। यहाँ पर मिट्टी क्ली मिल गया, इसको हम लगा देते हैं ऐसे ही। ये देखो ये फ्रेंड, अगले साल तक आराम से चले, आने वाले साल दिखा जाएगा फ्रेंड। आप लोग भी ये वाला प्लांट आप लगा सकते हैं फ्रेंड, ये खरीदने का जरूरत नहीं होता है। ऐसे तो बाजार में जाइएगा तो 70-80 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा, लेकिन हमको तो फ्री में मिला है ना, इसीलिए हम तो फ्री का ज़्यादा लगाते हैं फ्रेंड, हम खरीदते कम हैं। लेकिन लिपस्टिक और एग्लोडिमा पिंक जो है ना, वो हमको लेना है, और जितना भी मेरे पास है ना, हाँ सिल्वर एग्लोडिमा वो हम खरीदे थे, वो फ्री में नहीं मिलता है फ्रेंड, वो सब फ्री में नहीं मिलता है फ्रेंड, वो सब महंगा है, इसीलिए इसका तो फ्री में मिल जाएगा। मेरे पास भी कोई आएगा तो हम दे देंगे, बहुत ज़्यादा है फ्रेंड मेरे पास ये चाइनीज एग्लोनिमा, एगो एवरग्रीन बोलते हैं इसको। तो फ्रेंड आप लोग को कैसा लगा मेरा ये छोटा सा वीडियो बताइएगा। अभी हम डाल देते हैं पानी फ्रेंड सारे को, हम अभी तो लगातार हम रिपोर्ट ही करेंगे, क्योंकि फ्रेंड मेरा सारे जो है ना, रिपोर्ट का सारे को ज़रूरत है। देखिए थोड़ा सा ऐसे नीचा कर दिया ना तो ज़्यादा पानी चला जाएगा, नीचे दाब दिए थे तो नहीं जा रहा था पानी। अभी बारिश का टाइम है, जितना भी हम रिपोर्ट करेंगे सब लग जाएगा फ्रेंड, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। चलो मेरा काम हो गया फ्रेंड, बाय बाय फ्रेंड, बारिश आ गया थोड़ा सा।